उमेर मीडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमेर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमेर मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मशरूफ़ आर्टिस्ट मौजूद हैं, जो किसी भी तारफ की मोहताज नहीं है। ये जहाँ भी गई हैं इन्होंने अपने काम से अपना नाम मनवाया है। आए मिलते हैं रेशम जान जिसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह के शुक्र मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। मैडम आपसे कुछ सवाल पूछने थे हमने। हाँ जी हाँ जी पूछें। सवाल बाद में ना कर लें, आप इतने खूबसूरत है, पहले थोड़ा देख लें। आप तसल्ली से देखें, नो टेंशन। ये ना आप गुस्सा करने शुरू हो जाए। नहीं नहीं, हमें देखेंगे तो कुछ होगा, देखने के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम आप ये बताएं कि हमारा आपसे सवाल है, आप इस फील्ड में कैसे आई? मैं इस फील्ड में कैसे आई? मैं बस पार्लर का काम सीखती थी, सीखते 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 बस देख ली फील्ड में आ गई। पार्लर का काम सीखते सीखते इस फील्ड में आ गई? फील्ड में आ गई बिल्कुल। आप कुछ और भी कर सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, टीचर बन सकती थी या किसी और फील्ड में जा सकती थी, यही फील्ड आपने क्यों चूज़ की? आपको पता है बस कुछ मजबूरियाँ भी होती है और कुछ शौक भी था। आपके क्या, आप शौक से आई या मजबूरी से? मजबूरी से। मजबूरी से आप आई। अच्छा मैडम आपका जो नाम है, नाम आपका रेशम जान है, तो इस फील्ड में आपका यही नाम है या रियल आपका ये नाम है? नहीं नहीं, ये मेरे फील्ड का नाम है, रेशम जान जो है ना मेरे फील्ड का नाम है ये। अच्छा रेशम जान आपका नाम किसने रखा है इस फील्ड में? ये कैसर प्रिया ने रखा था। कैसर प्रिया ने रखा था। और आप हमें ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में क्या पसंद है? खाने में ज़्यादातर बारबेक्यू पसंद है और मलाई बोटी तो मेरी फेवरेट है। खाना बनाती है सिर्फ खाती हैं? नहीं मैं बनाती भी हूँ खाना, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, अपने घर में भी खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा मैडम आप ये बताएं इस फील्ड में जब आप आई तो आपकी एज कितनी थी? मेरी एज तकरीबन होगी, मुझे अभी फील्ड में आए भी तो 4 साल हुए ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, तो यही समझ लें कि मेरी 24 साल होगी। ओह इतनी होगी, 24 या 25 पर। आपकी एज भी कम थी और लोगों ने ट्राइयाँ तो बहुत मारी होंगी आप पे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ट्राइंगे तो इधर आपको पता है ट्राइंगे तो ऐसे मारते हैं जैसे वो अपनी बहन का नंबर देने आए हैं। किसी फैन ने आके डायरेक्टली कभी प्रपोज नहीं किया, ऐसा होता है अक्सर, आपके साथ नहीं कभी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल बहुत दफ़ा हुआ है, फ़ैन प्रपोज भी करते, लाइक भी करते और बहुत मोहब्बत भी देते और बड़ी इज्जत भी देते हैं। तो वैसे जो आपने डिफरेंट बात की है, प्रपोज तो था, एक दो बंदे थे जिन्होंने प्रपोज किया, शादी की डिमांड भी की, बहरहाल नहीं। शादी का क्या बोला आपने उनको? मैं नहीं, मैंने कहा शादी नहीं करूँगी, जो मैं कर रही हूँ पहले इसको मुकम्मल करूँगी तो उसके बाद देखूँगी शादी का। इसी बात पे मैं आ रहा हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ कि आपकी, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? नहीं मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं आप? हाँ जी मैं मैरिड हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं ये हूँ वो, मैं मैरिड हूँ। अच्छा मैम कभी आपको प्यार भी हुआ? हाँ ना प्यार हुआ ना, क्यों नहीं हुआ प्यार? प्यार से पहले या शादी के बाद? नहीं शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ। तो जब आपको प्यार हुआ तो आप गाने वगैरह भी सुनती थी? हाँ ना क्यों नहीं। कोई गाना हमें भी सुना दे फिर। हाँ देख लो फेवरेट गाना थे, जो प्यार हो जाता बंदा केड़ा सुनता, क्या करूँ आई कुछ कुछ होता है। आपको शेर शायरी का शौक है? हाँ ना बिल्कुल, शेर शायरी बस एक ही फेवरेट मेरा शेर है जो मैं हर दफ़ा हर जगह पे कहती हूँ। मैं भी सुना दे। चरागों में अगर इतना नूर ना होता, चरागों में अगर इतना नूर ना होता, ये दिल मिलने को मगरूर ना होता, कसम से हम तुझे रोज़ मिलने आते, तुम्हारा आशियाना इतना दूर ना होता। क्या बात है ज़बरदस्त, ये किसके लिए था मैडम ये भी बता दें? ये जो मेरी मोहब्बत मुझसे बहुत दूर चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं है अब। मैडम जब आप इस फील्ड में आई तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला कि ये फील्ड अच्छी? जी जी बिल्कुल, घर वालों ने मुझे बोला, रोका भी, मना भी किया और गुस्सा भी बहुत किया कि नहीं कुछ है हमारी जो ऐसे फैमिली मेम्बर से हमें कोई मतलब मिलनसार है, कोई नहीं मिलता, कोई हर बंदे का अपना अपना माइंड है ना, तो बस क्या करें हमारी मजबूरी बन गई है, ये करेंगे तो खाएंगे, ये नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे ना, बस यही हमारी मजबूरी, अब क्या करें। रिश्तेदारों को देखना, रिश्तेदार कौन से हमें खाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, कमाना है तो खाना है। कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है, आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा आपको लग रही है, मुझे तो नहीं लगता मैं वैसे खूबसूरत हूँ। वैसे वैसे गौर से देख रहा हूँ आप। आप मुझे देखे ना ठरकना झाड़ी मेरे ऊपर। ऐसी बात नहीं, आप हैं इतनी प्यारी मैडम। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे और आपकी नेचर भी बहुत अच्छी, आप खुद भी माशाल्लाह खूबसूरत हो। आपने आंखों में लेंस डाले या रियल है? नहीं नहीं मैंने लेंस लगाए, आईज पे लेंस लगाए हुए हैं। मुझसे देखा नहीं जा रहा आपकी आंखों में। आप देखना भी ना आप डूब जाओगे। आपकी आंखों में डूब जाता है बंदा वैसे। बिल्कुल, बस ये भी मेरी अल्लाह की इता है ना, उसके शुक्रगुजार है। कौन सी चक्की का आटा खाती हैं?
मैं कौन सी चक्की का, मैं दरअसल चक्की नहीं खाती, मैं मैकडोनल्ड खाती हूँ, KFC खाती हूँ, ये वो राज है। ये वो जो खाती हैं वो तो दुबली पतली स्मार्ट सी लड़कियाँ होती हैं। आप माशाल्लाह सेहत भी आपकी अच्छी है और आप हैं भी बहुत खूबसूरत। दरअसल मुझे ना ये बाइक के खानों ने ना बहुत कर दिया, हमने आउटडोर ही तो रहना होता है, घर में तो हमने कभी कभार जाना होता है, तो आउटडोर के खाने खा खा के और बर्गर शवार में, ये तो हमारा रेडीमेड खाना हो गया ना, समझ लो यही हमारी ज़िंदगी हमारे पास, और क्या है, हम ना घर में जाएँ ना बनाएं ना खाएँ। अक्सर हमने आपके शो भी देखे हैं, आप कौन से गाने, हमें तो पता है पर आपके जो चाहने वाले हैं आप उनको बता दें कि कौन से गाने ज़्यादा पसंद करती हैं, हमने तो आपके शो देखे हैं अक्सर। हाँ जी, मैं ज़्यादा जो है ना गाने, वो मेरे जो फ़ैन है, जो मेरी पब्लिक है, वो पंजाबी ज़्यादा ना लाइक करते, और मैं करती भी पंजाबी, और मेरा फिगर भी जटियों जैसा नहीं, वो ज़्यादातर गाने भी चलते हैं ना गुजरों वाले, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि गुजरों के अलावा भी कुछ किया करें, ज़्यादातर गुजरों वाले चलते हैं। नहीं हाँ, करते तो गुजरों वाले, हर चीज़ में गुजर आता है, गुजर किसी चीज़ में रुकता ही नहीं है। गुजर रिश्वत तो नहीं देते? नहीं गुजर, अब तो मैं सुरैकी कर रही हूँ, इधर गाना ना वो अच्छा जा रहा हमारे, इधर स्ट्राइकिंग है, इधर लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अब हमने गुजर को कट कर दिया। अच्छा ये बताएं, जो ड्रामा कर रही हैं आप, इसमें आपका क्या रोल है? इसमें मेरा रोल है, मेरा भाई है, मैं उसका ना रिश्ता देखने जाती हूँ, मैडम रोजिया है वो मेन रोल कर रही है, तो मैं अपने जो है वो भाई है मेरे, उनका रिश्ता लेने, मैडम रोजिया का हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैडम अमरोजिया का रिश्ता लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैडम अमरोजिया हमारे भी फेवरेट हैं और उनके साथ हमारी भी बहुत ज़्यादा गपशप होती है, और आपके साथ उनका कैसा, मतलब कि मैडम अमरोजिया के साथ है ये बता दें। मैं हाँ, मैडम अमरोजिया के साथ तो मेरा बहुत प्यार है, और वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, और मुझे बड़ा समझाती भी और बड़ा प्यार भी देती है, हर चीज़ को नोट भी करवाती है, अब ये नहीं ये करो, उनकी बात ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, ये हमने भी देखा है। बिल्कुल, ये उनकी नेचर बहुत अच्छी है, हर किसी से मोहब्बत करती है और प्यार देती है, जिनको नहीं कुछ पता होता उनमें ये उनकी ये खूबी है कि वो हर किसी को बताती है अब ये नहीं ये करो। आप ये बताएं कि इस फील्ड में आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल फ़िलहाल तो मेरा आइडियल कोई नहीं है, आइडियल यही है कि अपना जो है जितना भी अल्लाह ने नवाज दिया यही है, अब इसके आगे हमने आइडियल क्या लेना है, ठीक है ना। अच्छा, फ़ैन वगैरह भी कुछ दे के जाते हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यही देते हैं तो हम खाते हैं। वो अपनी बेगमों को नहीं देते, आपको कहाँ से देख जाते हैं? देते देखिए, अभी 50,000 नाम नहीं दिया मेरे फैन ने मुझे। ये तो देखा हमने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो अपनी बेगमों को नहीं देते, आपको कहाँ से दे जाते हैं? बस आप अपनी बेगमों को भी दे, हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे सर पे बाल में गंजाना करवा देना। मैडम आप ये बताएं कि आज तक कितने बंदों को लूटा आपने? मैंने, मैं एक बात बताऊँ आपको ना, ये लूटने वाली बात नहीं, अगर आपका दिल मानेगा ना तो आप हमें दे के जाओगे, आपका दिल नहीं ना मानेगा, हमें कम जितनी मर्जी बातें सुना लें आप हमें नहीं दे के जाओगे, ये आप अपनी मर्जी से अपनी जेब से पैसे निकालोगे, कोई पॉकेट में हाथ तो नहीं डाल लेता ना। ये मजाक है, सीरियस ना समझिएगा। मैंने बताया है, ये काफ़ी लोग ना हमसे सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि आप कैसे बंदों को लूट लेती हो, कैसे पैसे ले लेती हो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये अभी हमने सेट पे, हमें मुझे मेरे फैन ने नाम दिया, उसको मैं गाना करती अच्छी लगी, उनका दिल चाहा, उन्होंने मुझे नाम दे दिया, ये चीज़ होती है, हमने नहीं बोलना हमें दो या ना दो, हम अल्लाह का शुक्र हम खुद कमा रहे हैं, खुद कर रहे हैं बस। वर्गल्स करती हैं या दूसरे? नहीं मैं वर्गल सॉन्ग्स है, नहीं मैं वर्गल नहीं करती, मैं वर्गल सिंपल, मैं सिंपल डांस जो काम है वो करती हूँ, मैं वर्गल डांस नहीं। यहाँ पे मैंने ये सुना है कि जी लड़कियों को ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे क्या करना पड़ता है लड़कियों को? कि जी ये फील्ड में आने के लिए किसी भी प्रोड्यूसर के साथ आप जाएं, ये करें वो, मैं अब खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है, तो उस बारे में आप हमें बता दें, क्योंकि हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे इस बारे में। नहीं मैं नहीं मानती, मैं 4 साल हो गए हैं, मैं सभी के सामने ये बात लानियाँ कर सकती हूँ, 4 साल हो गए हैं फील्ड में, जब तक लड़की खुद नहीं ना चाहेगी, प्रोड्यूसर कोई बंदा किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। मैं सबसे बात ये, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, मैं नहीं मानूंगी इस बात को, क्यों, यही हमें काम करवाने वाले, यही हमें हमारी इज्जत को बचाने वाले हैं, यही हमें हर बंदे से कहने वाले, ये बंदा ठीक नहीं है ये ठीक है, तो इनको हम कैसे गलत कह दें भाई। इसमें आपको बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था और मुझे लोग मैसेजेस कर रहे थे, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने कहा मैं जिसका भी अब दोबारा इंटरव्यू लूँगा तो मैं उससे ये सवाल पूछूंगा कि ये वाकई इसमें हकीकत है या नहीं है। नहीं नहीं ये गलत, सरासर गलत बात है, प्रोड्यूसर कभी भी किसी लड़की को ये बात नहीं बोलेगा। अच्छा ये भी सुनने में आया है कि अक्सर अदाकारों ने अपने बंदे बिठाए होते हैं तालियां बजवाने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? गलत है, ये गलत है, ये गलत सुना हमने, ये गलत सुना है, और जिसने भी बोला ये गलत बोला है, अदाकारों ने क्यों भई तालियां मारने के लिए क्लैब लेने के लिए क्यों बंदे बिठाने हैं, जो शो रेडी देख रहे हैं उनको भी तो नज़र आ रहा है ना आगे फनकारा क्या कर रही है, क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही है,
ये गलत है, बिल्कुल झूठ है, बस ये फील्ड ऐसी है ना, फेक बातें बहुत निकलती हैं। जी जी मैडम, आपसे एक सवाल और पूछना था, कॉमन सेंस का पूछ सकते हैं? जी जी पूछें। ये मैडम आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है लड़कियां दिखा के और लड़के छुपा के चलते हैं? लड़कियां दिखा के और लड़के छुपा के चलते हैं, बड़ा अच्छा इसका जवाब है। मेरे जहन में तो नहीं कोई भी, अब बता दें। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। चले मैं हार गई, अब बता दें। नहीं आप बताएं, याद करें, जान पे जोर डालें। क्या है बता दो, दे दे क्लू दे दे या मैंने कि आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब क्या फिगर है? क्या चीज़ है? लड़कियों थोड़ा दिमाग पे जोर डालें ना आप। वायलट बटवा पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लड़की ने तो ऐसे पकड़ाता है ना, तो लड़कों ने पैंट में डाला था, बिल्कुल ऐसे। आप हार गई, हमने आपके लिए गिफ्ट भी रखा हुआ था, पर आप हार गई। अच्छा मुझे गिफ्ट दे दे मुझे। आप हार गई इस बात पे। अच्छा ठीक हो गया, चले ये भी मैं गिफ्ट हार गई हूँ, देख लो आप इनसे मेरी रिक्वेस्ट करें मुझे गिफ्ट दे दे, मैंने बहुत मेहनत की इंटरव्यू में। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ, कैमरा मैन जुनैद शाहिद के साथ। हमें बहुत मज़ा आया मैडम के साथ गुफ्तगू करके, आप भी सुने। अगर आपने कोई मैडम से भी कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज करें, हम फिर मैडम के पास हाजिर हो गए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।